क्वेटा के इलाके शेरानी में अम दुश्मनों की कार्रवाई, सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। दस्ती बम हमले में 4 अहलकार शहीद, 3 पुलिस, 1 एफसी अहलकार शामिल है। हमलावर ने दस्ती बम फेंकने के बाद चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान के हमले की मजम्मत, 3 शहादतों पर दुख और अफसोस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशले राह हैं। उधर डीआई खान में फोर्सेज का कलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी का खर्चा, सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कालादम टीटीपी से अहम कमांडर मुल्तान से गिरफ्तार, बारूदी मवाद, फ्यूज, फोन और नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। सीटीडी का कहना है कि रवां हफ्ते 479 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गम और गुस्से की लहर बरकरार। सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक ने कुरान पाक की बेहुरमती को काबिले मुजम्मत फेल करार दे दिया। मराकिश ने स्वीडन से सफीर वापस बुला लिया। मुतहदा अरब अमारात और इराक ने सफीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सफारत खानों पर आवाम का शदीद एहतजाज। तुर्की, कतर, कुवैत और मिस्र ने भी इश्तियाल अंगेजी को नाकाबिले कबूल फेल करार दे दिया। कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना जुर्म है। बेहुरमती से पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंची है। ओआईसी का जद्दा में हंगामा इजलास, शुरका का कहना था कि कुरान और पैगंबर इस्लाम की तोहीन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैनल मजाहिब हम आहंगी का तकाजा है कि ऐसे वाकयात से बचा जाए। वाकयात की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती, पाकिस्तान का आर्मी पार्लिमानों से राबते का फैसला। कायम मुकाम सदर सादिक सिंजरानी का कहना है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाकये की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इससे तमाम आलम इस्लाम के जज्बात को ठेस पहुंची। मुतालिबा किया कि स्वीडन हुकूमत वाकये पर फौरी एक्शन ले। नफरत अंगेज हरकतें बैन अल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी ऐसे वाकयात की रोकथाम में अपना अहम किरदार अदा करे। वजीर मजहबी उमूर सैनिटर तलहा महमूद ने कहा कि 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, बेहुरमती की मजम्मत, मुजाहरीन ने मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालिबा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ट्विटर पर बायकॉट स्वीडन ब्रांड्स का टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले स्वीडिश ब्रांड्स की तफसीलात शेयर करते हुए इन ब्रांड्स के बायकॉट की अपील कर रहे हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराकी फुटबॉलर्स और रेफरीज ने मुनफरिद एहतजाज ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। इराक की फुटबॉल लीग की टीमों के खिलाड़ी और रेफरीज मैच के आगाज पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खे उठाकर शरीक हुए। खिलाड़ियों और रेफरीज ने अकीदत के साथ कुरान पाक को बोसा दिया। स्वीडन में होने वाली शर अंगेजी के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। और फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल। मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी, 200 से ज़ायद पुलिस अहलकार जख्मी। मुजाहरीन ने सैकड़ों पुलिस स्टेशंस, शॉपिंग मॉल्स और बस स्टेशंस को आग लगा दी। 1000 गाड़ियां भी जला दी गई। हंगामा आरई के इल्ज़ाम में 2000 से ज़ायद मुजाहरीन गिरफ्तार। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने जर्मनी का सरकारी दौरा भी मुलतवी कर दिया। गिरफ्तारियाँ और बड़े पैमाने पर पुलिस तैनाती भी मुजाहरों को रोकने में नाकाम रही। बड़ी ईद की खुशियों में बोलने दिया अपने आवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोलने उठाई आवाज। उधर पिशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 अहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन।
लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो हैं वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर वन न्यूज़ चैनल, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।